कुछ रही है कुछ रही है कुछ रही है। गुड मॉर्निंग सभी को, मॉर्निंग इवनिंग सब चलेगा यार। हाँ बस भावना होना चाहिए है ना। लाइव है चलिए भाई साहब बैठिए जल्दी से। देखिए तो टाइप 13 से करना है ना। चलिए ध्यान दीजिए इधर। सवाल कहता है चावल मछली और तेल है ना। क्या हुआ जी? नई जगह है, एगो है वहां, एगो टूल दीजिए निकाल के अपन को। चलिए इधर, क्या हुआ जी आप लोग का? और टूल एक्स्ट्रा है क्या, छूटा हुआ है? यहां बैठिए, इस पे बैठिए, उधर ही बैठिए ना, उधर ही बैठिए आप। और टूल उधर एक्स्ट्रा कहीं पे है जी? यहां है, कहां है? हाँ उसको उठाइए दीजिए इधर। कहां गया जी? हाँ वहां पकड़ा, इधर आइए। ए हेलो रेड टी शर्ट, इधर आओ ना यार, क्या हल्ला करते हो, भगा देंगे क्लास से। उठाइए टूल लीजिए, वहां पर टूल आ रहा है। हाँ बैठ जाइए, ठीक है। अरे कहीं बैठ के पढ़ लेना, तर्क बितर करने से कोई फायदा है? देखो फॉर्मूला इतना देर में याद हो जाता। हाँ हो गया सो हो गया। आप कहाँ बैठिएगा जी? आइए आप यहाँ पे आइए, उधर टूल भी है क्या? आई टूल यहाँ पे है, टूल उठाइए बैठिए वहीं पर। सब लोग बैठ गया ना तब? अरे पढ़ के जाना है जल्दी से तब है ना। आइए आप पढ़ जाओ, यहां देखिए। ऋषि क्या बोल रहा है, हमारा पे कोई ध्यान ना है ना। आइए ना, चावल मछली और तेल के खपत का अनुपात 12, 17 और 3 है, ठीक है। इन सब वस्तुओं के दाम में क्रमशः 20%, फिर 30% और 50% के वृद्धि हो जाए तो खर्च में कितने परसेंट का वृद्धि होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बड़ा इजीली कर सकते हैं आप, बताइए चावल मछली और तेल का खपत का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 12। आप पता है 20% अगर दाम बढ़ जा रहा है तो गुना में कर देंगे, सिर्फ 20 करेंगे। अब फिर देखिए मछली का कितना है? 17। इसका दाम बढ़ रहा है 30%, तो गुना 30 कर दिए, परसेंट आप लिख सकते हो। प्लस तेल का खपत कितना? 3, 3। इसका दाम बढ़ा 50% से, तो गुना में 50। अब बराबर कहता है कि टोटल में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, कुल खर्चा में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, ये सब पर कुछ ना कुछ परसेंट से दाम बढ़ा है। तो सवाल कहता है कि बताओ ओवरऑल खर्च कितना बढ़ गया है ना। तो आप बताइए कि पूरा वस्तु का खपत कितना? 12 और 17, 29 और 3, 32 है। जोड़िए ना इसको, पूरा कितना है आपका? 32। तो कह रहा पूरा में कितना वृद्धि हुआ, तो इनटू में हम कर दिए x। देखिए ये सिर्फ वृद्धि लिखे 20,
30 वृद्धि लिखे, 50 वृद्धि लिखे, कदर टोटल में कितना वृद्धि होगा तो इंटू में एक्स कर दिया। अब सोल्व करके एक्स का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, है ना। तो इसको करिए, काटिए, आंसर निकालिए ना, बताइए। कुछ कट तो लग रहा है कि नहीं है, कटेगा, कट रहा है, मत न काटिए, ऐसे गुना आसानी से हो जाएगा। देखिए 12 दुना 24 तो 240 हो गया, 240 हो गया ये, और 17 तीये 51 510 हो गया, और 50 तीये 150 हो गया आपका। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। अब जोड़िए आप सभी लोग, 24 और 51 कितना हो गया, 75, यानी 750, और 750 और 150 कितना, 900 और बटा 32 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 900 और बटा में 32 हो जाएगा, और परसेंट। अब इसको हम काटेंगे तो काटिए ना, 2 से कटेगा, 4 से काटो 8 बार में, और 4 से काटिए इसको 225 बार में। अच्छा अब 8 से इसमें हम भाग देंगे तो भाग दीजिए, 8 दुना 16 और 6 पर 5 65, तो 68 64 शेषफल बचा 1 और बटा में 8%, 28.1/8%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल बात है, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है वो दिया है, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है वो दिया है, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है वो दिया हुआ है, बराबर टोटल में कितना वृद्धि हुआ आपसे पूछ रहा है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, तो आप यहां पे जोड़ लीजिए, 32 हो गया। आप जोड़िए ना इसको, टोटल कितना हो गया, 32 में कितना वृद्धि होगा, तो इंटू में एक्स हो जाएगा, इंटू में एक्स। अब एक्स का मान निकाल लीजिए, कहीं से आवाज आया था 120 से गुणा, है ना, तो कर सकते हैं, यहां 120 से गुणा, यहां 130 से गुणा, यहां 150 से गुणा, तो फिर यहां करना पड़ेगा 100+x से गुणा, समझे, क्योंकि 100+20 120, 100+30 130, 100+50 150, तो यहां पर हो जाएगा 100+x, तब x का मान। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि उसके कंपैरिजन में ये आसान आपका है, ये खाली वृद्धि जितना बढ़ा है उसको सिर्फ लिखा गया, बराबर टोटल में कितना वृद्धि इंटू एक्स, एक्स का मान निकाले, आंसर हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं, एक रेशियो दे देगा और कुछ परसेंट इसमें, कुछ परसेंट इसमें, कुछ परसेंट इसमें वृद्धि, बोलेगा टोटल वृद्धि कितना होगा, तो 32 × x का मान निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है किसी को बोलिएगा। और ये जो तरीके हैं ना, ये हम आगे के चैप्टर में भी इस तरीके का यूज करेंगे, आपका ध्यान रखिएगा। अगला पे बढ़ते हैं, देखो 2 नंबर क्वेश्चन में यहां तक तो सेम सवाल रहा कि ए बी सी 3 लोग हैं जिसका सैलरी 1-3-4 के रेशियो में, और सैलरी 5%, 10%, 15% बढ़ गया। ये नहीं कह रहा है कि टोटल में सैलरी कितने परसेंट से बढ़ा, ये नहीं कहता है, कहता है कि सैलरी बढ़ने के बाद रेशियो कितना हो जाएगा। पहले से रेशियो था 1-3-4, आज जब कुछ परसेंट से सैलरी बढ़ गया तब रेशियो कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, मतलब आपसे नया अनुपात पूछा जा रहा है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह की सवाल में न्यू रेशियो पूछे तो कैसे करेंगे, सुनिए, बोलिए। पहले से रेशियो कितना है, 1-3, पहले सैलरी का रेशियो कितना है, 1-3-4 आपका है, 1-3-4 है। अब आप देखिए 5% से 10% से और 15% से उसका सैलरी बढ़ गया है, तब बढ़ी हुई सैलरी का अनुपात बताइए, बताइए किसी भी व्यक्ति का सैलरी क्या परसेंट होता है, 100%, जितने भी रुपए कोई व्यक्ति कमाता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% उसकी सैलरी है ए का, और 5% होकर सैलरी बढ़ गया है, तो हो कितना गया, 105% हो गया। तो यहां 105% से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि सैलरी जो बढ़ने के बाद हुआ है उसका रेशियो पूछता है, बढ़ी हुई सैलरी का रेशियो बताओ। आप बताइए बी का जो सैलरी पहले था अपने आप में 100% था, 10% से सैलरी बढ़ गया तो 110% हो गया, तो 110 से गुना करेंगे। आप फिर देखो यहां पर सी का सैलरी जितना था अपने आप में 100%, 15% बढ़ गया तो 115% से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है कि नहीं बात, 115% से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 115% से गुणा कर देंगे हम। अब देखो यहां पर आप सभी लोग,
ये हमारा हो गया बढ़ा हुआ सैलरी, तीनों का ये क्या हो गया बढ़ा हुआ सैलरी, काट देंगे हमारा नया रेशियो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर घटता, अगर इसका सैलरी घटा दिया जाता 5% से तो 95 से गुणा करते, 10% से घटा दे तो 100 - 10 90 से गुणा, और 15 घटा दे तो 100 - 15 85 से गुणा करते। अब इसको काटिए ना, देखो 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 22 बार में, और 5 से कटेगा 23 बार में। अब गुणा करिए 21 से कम 21, 22 दिया 66 और 23 के 92, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर बढ़ेगा तो 100 से बढ़ा कर गुना, और घटेगा तो 100 से घटा के गुना करके काट दीजिए, नया रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। आगे बढ़े, इक्कीस 66 92 हमारा आंसर हो जाएगा। एक नीचे में नोट भी लिख लीजिएगा उतारने के बाद। वृद्धि होने पर लिखेंगे, वृद्धि होने पर 100 से बढ़ाकर गुणा, और कमी होने पर 100 से घटाकर गुणा करें। वृद्धि होने पर 100 से बढ़ाकर और कमी होने पर 100 से घटाकर गुणा करें। वृद्धि होने पर 100 से बढ़ाकर और कमी होने पर 100 से घटाकर गुणा करें। वृद्धि होने पर 100 से बढ़ाकर और कमी होने पर 100 से घटाकर गुणा करें। अब कोष्ट में लिख लेंगे नया रेशियो निकालने के लिए, कोष्ट में लिख लीजिएगा नया रेशियो निकालने के लिए। वृद्धि होने पर 100 से बढ़ाकर और कमी होने पर 100 से घटाकर गुणा करें, कोष्ट में लिख लेंगे नया रेशियो लिखने के लिए या नया रेशियो निकालने के लिए, नया रेशियो निकालने के लिए। आया बात समझ में? देखिए एकदम बहुत ज्यादा टेंशन लेके टाइप नहीं पढ़ना, एकदम लॉलीपॉप टाइप ही है, इतना से आसान सवाल नहीं होता है। एगो रेशियो दिया है और कुछ परसेंट से बढ़े या घटेगा ऐसा कुछ मेंशन रहेगा, और नया रेशियो पूछेगा तो सीधे बढ़ेगा तो 105 110 115 से गुना करो काट दो आंसर हो जाएगा, और कम होगा तो घटा के काट दो आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन जो है बन जाना चाहिए उम्मीद, एक दो तीन पहले का रेशियो है वेतन का, और इतना इतना परसेंट से बढ़ रहा है, तो 1 × 105, 2 × 110, 3 × 115 काट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 21, 44 और 66। सही बात है, 21, 44 और 23, 69, 21, 44, 69। ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा आपका, वैसे ही बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है ना ये भी वैसा ही है कि चार बंधु, बंधु मतलब यहां व्यक्ति हो गया, कि तनख्वाह का अनुपात 3:2:1, तनख्वाह मतलब वही सैलरी हो गया आपका। अब कहता है वे अपनी तनख्वाह क्रमशः 10%, 15%, 12%, 20% बढ़वा ले तो इसकी तनख्वाह का नया रेशियो क्या होगा, हो जाएगा 3 × 110, 2 × 115, 1 × 112, 4 × 120। काट के छोटा करके आंसर कर लेना, हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 14। देखो ये ट्रेन वाला टाइप है, ये ट्रेन वाला टाइप है, ये है ना, ट्रेन टिकट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रेन टिकट बेस्ड है आपका, ट्रेन टिकट बेस्ड है भाई। इसमें एक चीज आप सभी लोग जानिए कि अगर हम पैसेंजर की संख्या या पैसेंजर की संख्या, पैसेंजर की संख्या बोले तो यात्री की संख्या को अगर हम टिकट दर से गुणा कर दें तो क्या टोटल इनकम रेलवे वालों का नहीं निकल जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएगा आपका,
टोटल इनकम। पैसेंजर कै गो ट्रेन पर चढ़ा है और एक वो पैसेंजर के लिए टिकट का रेट क्या है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इनकम निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर जो है ना इस टाइप में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये भाषा समझ में आ रहा है, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये सीधी सी बात है कि पैसेंजर की संख्या और गुना टिकट दर, एक टिकट का रेट क्या है, कितना रुपए टिकट है, अगर उस टिकट के रेट को अगर पैसेंजर से की संख्या से गुणा कर दिए तो टोटल इनकम निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि रेलवे वालों का जो इनकम है वो पैसेंजर की संख्या और टिकट दर के गुणनफल पर डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ पैसेंजर की संख्या क्या है ना, पैसेंजर की अगर संख्या आपसे पूछेगा, पैसेंजर की संख्या आपसे पूछेगा तो सिंपल है, टोटल इनकम में एक वो टिकट रेट से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, है ना। तो यहां पे हम कह देंगे ऐसे टोटल इनकम, टोटल इनकम में हम क्या करेंगे, एक टिकट का मूल्य से भाग कर देंगे, या फिर इसको आप टिकट दर भी कह सकते हैं, टिकट दर से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे, है ना। टोटल इनकम में अगर हम टिकट रेट से भाग कर देंगे, टोटल इनकम में अगर हम टिकट रेट से भाग कर देंगे तो पैसेंजर की संख्या निकल जाएगा। देखो ना जो गुना में है ना टिकट दर भाग आ जाएगा। देखो टोटल इनकम में अगर एक वो टिकट का कीमत क्या रुपया है उसे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या वो पैसेंजर है, कर सकते हैं हाँ। और टिकट दर निकालना है तो भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कहेगा टिकट का रेट क्या है, कै रुपये टिकट है, तो इसको भी पता कर सकते हैं कैसे, टोटल इनकम में पैसेंजर की संख्या से क्या करेंगे, पैसेंजर की संख्या से भाग कर देंगे। यहीं पर अगर आपसे पूछेगा कि टिकट का रेट क्या है तो पैसेंजर की संख्या से भाग कर दो। तो इसी पर ये बेस्ट आपका टाइप है, ध्यान रखिएगा, ये इसी में से किसी न किसी फॉर्मूले का यूज होगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। रविंदर क्या बोल रहा है, मेरी वाली का शादी है, क्या करें अब, यही सब इस सब का काम रहता है ना, अब क्या करेगा, अब चिड़िया उड़ गया तो है ना। तो कहावत है, अब क्या पछता जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, तब जो हो गया सो होने दो, है ना। अब पढ़ेगा लिखेगा नहीं, नौकरी नहीं लेगा तो उसका हल्बे नहीं करेगा, बैठल थोड़ी ना कोई रहेगा, जाओ कुछ हेल्प कर देना शादी वादी में, है ना, इनविटेशन अगर आया होगा तो ना। हाँ हाँ बिल्कुल चंद्रदीप भाई, बिल्कुल सही बात है ना, मजदूरी वाला जो टाइप था ना उसी तरह का सवाल है। टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करते थे, मजदूर की संख्या और गुणा एक मजदूर की मजदूरी, है ना, वही वाला टाइप आपका डिटो है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, सुनिएगा, दो रेलवे स्टेशनों के बीच, इसमें भी कुछ ऐसा जरूर बैठा होगा जिसके साथ ऐसा हो रहा होगा, इधर नहीं, क्योंकि अभी लगन का टाइम चल रहा है, अभी है ना, लगन का टाइम चल रहा है। सही बात है, जाके भोज खाओ, सही बात। यहां पर देखिए, यहां देखिए, यहां पर है ना, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराया का रेशियो 10:7 था, ठीक ना। देखो ये फर्स्ट क्लास है, ये आपका फर्स्ट क्लास है और द्वितीय श्रेणी आपका ये सेकंड क्लास है, ठीक है। अगर हम किराए की रेशियो की बात करें, अगर हम रेंट की बात करें, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए के बीच का अनुपात 10:7 था, किराया का रेशियो क्या था जी, 10:7 था, ये पहले से रेशियो था, पहले से रेशियो था कितना, 10:7। लेकिन यहां क्वेश्चंस कह रहे हैं कि बाद में किराए में 3:4 और 5:9 में वृद्धि हुई। अब सुनिए इसका मतलब क्या होता, 3:4 में वृद्धि हुआ, इसका मतलब यह कि पहले वाला किराया 3 था और अब वाला हो गया, कल कैसे था, 1 साल पहले वाला था
और वर्तमान वाला इनकम का रेशियो दिया था। वही चीज है कि पहले से फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का रेंट का जो किराया का जो रेशियो था वो 10:7 है। अब कहता है कि किराया 3:4 में बढ़ गया, अब 5:9 में बढ़ गया। तो कभी कभी ऐसा भी लिखेगा अनुपात में बढ़ना, अनुपात में घटना, घट भी सकता है। देखिए छोटा से बड़ा रेशियो होगा, कम से ज्यादा होगा तो बोलेगा कि वृद्धि हुआ, अब अगर ज्यादा से कम होगा तो कमी हुआ, ऐसा हो सकता है। तो 3:4 में बढ़ गया, इसका मतलब पहले जो था ना ये 3 के रेशियो में था, अब हो गया कितना? तो अब वाला करंट वाला अगर किराया लिखना है तो 4/3 से गुना, कल कैसे उल्टा गुना कर रहे थे, वही काम करना है यहां पर आपका। 4/3 से गुना कर दिए और यहां गुना कर देंगे 9/5 से, तो ये आपका करंट का किराया हो गया बढ़ने के बाद का, ठीक ना। चलिए अब यहां पर कुछ कट तो नहीं रहा लगता है कि है नहीं ना, कोई बात नहीं। देखो क्रॉस गुणा कर देंगे इंटीजर में बदलने के लिए, तो 5 × 4 = 20 नहीं है 200, यहां हो गया 200। और देखो 9 × 7 = 63 और गुना 3, 63 × 3 = 189 आपका हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि पहले से किराए का रेशियो जरूर 10:7 था, लेकिन जब हमने 3:4 में इसको बढ़ाया, 5:9 में इसको बढ़ाया, तो हमारा नया रेंट का रेशियो निकल चुका है, नया रेंट का रेशियो निकल चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं कि यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 में है, यात्री बोले तो पैसेंजर, पैसेंजर का रेशियो दिया है भाई कितना? 3:5। देखो यहां पर रेट टिकट रेट महंगा है तो कम यात्री हैं, और यहां पर टिकट रेट सस्ता है ज्यादा यात्री आपका है। तो कहने का मतलब ये पैसेंजर का रेशियो हो गया और वो रहा रेंट का रेशियो। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्या मिलेगा? तो देखिए मल्टीप्लाई करिएगा ना तो टोटल टोटल इनकम निकल जाएगा आपका, नहीं निकलेगा? पैसेंजर कै गो? 3 गो। एक पैसेंजर से कितना टिकट का रेट लिया जा रहा है? 200। तो गुना करेंगे तब ना टोटल इनकम निकलेगा। मैंने पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले, टोटल इनकम बराबर पैसेंजर की संख्या और गुना टिकट दर। तो गुना करिए इसको, कितना? 600। एक काम करिएगा, तनी सुनिए ना, गुना करना ना है तो इसको और इसको काट के लिखिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 189 बराबर डटाएगा। होता है जैसे यहां गुना करके और यहां गुना करके लिखना है, तो आपस में अगर दोनों कट रहा है तो जरूर आप काटिए। देखो 5 से कट रहा है कितने बार में? 40 बार में, थोड़ा छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा। और 3 से कट रहा है ये 63 बार में, तो यहां पे अब लिख सकते हैं 40:63, थोड़ा छोटा हो गया, टोटल इनकम का रेशियो हो गया। सवाल कहता है कि कुल 30,900 रुपए किराए के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी टोटल इनकम है 30,900। तो सवाल कह रहा है कि सेकंड क्लास से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ, तो क्या करेंगे 30,900 को इस रेशियो में बांट देंगे, है ना। तो चलिए बांटिए, 30,900 को इस रेशियो में बांटना है, सब लोग जोड़िए 103, तो 103 से हम भाग करेंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। सवाल करे सेकंड क्लास से कितना कमाई हुआ रेलवे वालों को, तो 63 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं बात। देखो इससे कटेगा 300 बार में, और 300 गुणा हम 63 कर देंगे तो 189 पर 00 हमारा आंसर कौन सा ए हो जाएगा आपका। तो सवाल का साइज देख करके आपको नहीं डरना है, चलिए आप लोग नोट करिए, तब तक थोड़ा हम कमेंट लोग का देख लेते हैं। चलिए लिख लिए, कहा हुआ आप लोग को भी एक्साइटमेंट रहता है ना ये जानने को।
घर में लग रहा है आपके लिए स्पेशल घुमा दे रहे हैं ना। हाँ भाई एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सुनिएगा। हाँ देखिए ना ध्यान दीजिए इधर सिंपल तो सवाल है जी। 10-7 जो है ना ये किराया का रेशियो पहले से दिया हुआ है और कहता है कि किराया 3:4 में बढ़ गया फर्स्ट क्लास का तो कितना हो गया तो 4/3 से गुणा करें। कल कैसे प्रेजेंट का लिखने के लिए 4/3 से गुणा कर रहे थे उल्टा वही चीज है 4/3 से यहां गुणा फिर 9/5 से यहां गुणा। अब क्रॉस गुणा किए तो 10×40=200 और 3×7=189। अब फिर सवाल में पैसेंजर का रेशियो दिया फर्स्ट और सेकंड क्लास का 3:5। अब आपको मैंने क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा कि टोटल इनकम जब भी निकालना हो तो रेंट और पैसेंजर की संख्या को मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई कर रहे थे बड़ा बड़ा डाटा मिल रहा था। तो एक और चीज आप जानिए कि मल्टीप्लाई अगर करना है तो आप ये काम कर सकते हैं इन दोनों में अगर कुछ कॉमन लग रहा है कि इसमें भी है और इसमें भी है तो उसको आप काट के छोटा कर सकते हो। तो 5 से 40 बार में और 3 से 63 बार में तो ये 40 हो गया और यहां पर 63 हो गया। अब टोटल जो कह सकते हैं ये इनकम है उसको हम इस रेशियो में क्या किए बांट दिए। तो बांटने का तरीका तो सबको पता है कि 103 से भाग देते हैं सेकंड क्लास से इनकम कितना हुआ है रेलवे वालों को तो 63 से क्या किए गुणा कर दिए। कुछ पूछना है किसी को? चलिए यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है। देखो ये भी उसी तरह का सवाल है सेम पैटर्न का। पढ़िए 2 स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है 4:1 है और इन स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:10 है ठीक ना। ये फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और रेंट का रेशियो दिया हुआ है कितना दिया है 4:1 दिया हुआ है। फिर इसके बाद यात्री की संख्या यानी पैसेंजर का रेशियो दिया 1:10 इसको गुणा कर दीजिए ना गुणा कर दीजिए तो क्या इनकम का रेशियो नहीं हो जाएगा? अच्छा गुणा करने से पहले कुछ कट रहा है क्या? देखिए ना इसको गुणा करना है तो 2 से 5 बार में 2 से 2 बार में तो कितना हो गया 2:5 हो गया इनकम का रेशियो हो गया। फर्स्ट क्लास से टोटल इतने रुपए कमाई हुआ सेकंड क्लास के टिकट बेचने से इतने रुपए का कमाई हुआ कह रहा किसी विशेष दिन यात्रियों से कुल इतने रुपए जमा होते हैं टोटल 1100 रुपया जमा होता है। तो सवाल कहता है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितना धन प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे 1100 को इस रेशियो बांट देंगे। चलिए 1100 को इस रेशियो बांटना 5×2 7 से गुणा किए अगर फर्स्ट क्लास से कितना धन इकट्ठा हुआ तो कितना 2 के रेशियो में तो 2 से गुणा कर दिए। आप बोलिए कितना हो गया 2200 अब बटा में कितना 7 से भाग दीजिए तो 7×21 314 point something हाँ 314 point something मिल रहे थे अप्रोक्स में आंसर क्या होगा 315 आपका हो जाएगा भाग दीजिए ना 314 point something आ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। समझे एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है थोड़ा कुछ पैसे का मार्जिन है जैसे 314 point something आ रहा है तो क्या कर सकते हैं पर आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें सबसे सटीक कौन होगा 315 रुपए ही तो होगा आपका तो अप्रोक्स में यहां पर आंसर दिया हुआ है गलत नहीं है सवाल को गलत आप नहीं कर सकते हैं 314 रुपए कुछ पैसा दिया है ऑप्शन में 315 है उसी को मारेंगे वही हमारा सही होगा। बढ़े आगे इसमें यही तो है कि रेंट का रेशियो बनाओ पैसेंजर का रेशियो बनाओ मल्टीप्लाई करो इनकम का रेशियो और इनकम का रेशियो को इनकम का रेशियो में चीजों को बांट दीजिए।
अगला सवाल भी देखिए तो इसी तरह का है, क्या जी? 3:1:50 गुना करिए, 3 × 1 = 50 × 50 टोटल इनकम करे, 3:50 हो गया, तो 50 × 3 = 53 से भाग दीजिए और फिर 50 से क्या करिए, गुणा करिए, हो जाएगा। यही संभालना है, दुगो रेशियो दिया, 1100 के जगह पे 1325 दिया है, कितना आ रहा है? 1250। चलो इसका आंसर टिक कर लीजिए, 1250, घर पे बनाना है इसको, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं, जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कहता है कि दो रेलवे स्टेशन के बीच फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के किराया में रेशियो इतना है और पैसेंजर का रेशियो इतना है। ये भी उसी तरह का सवाल है, बस 3 हो गया। देखो बता दे रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास, ये हो गया सेकंड क्लास और ये हो गया थर्ड क्लास, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का। अगर हम रेंट की बात करें तो कितना है? 10:8:3 है। अगर हम पैसेंजर की संख्या की बात करें तो 3:4 कितना है? 10 है। अब इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए क्या यहां पे टोटल इनकम आप लिख सकते हैं। तो देखो इनकम कितना होगा, गुणा करिए, 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। आप 2 से चाहे तो उड़ा भी सकते थे, काटना है, अगर काट दिए तो भी बनेगा, ना काटे ऐसा नहीं कि ना बनेगा, ना काटे तो भी बन जाएगा आपका, काट देते हैं मन है तो। ऐसा हमारा तो मन ना था, लेकिन आप लोग का मन था, नहीं काटा जाए इसको, चलो काट दिए। आप बताइए क्या कहता है कि एक वर्ष के अंत में यात्रियों को टिकट बेचने से इतना रुपया इकट्ठा हुआ, तो आपको नहीं लग रहा है कि तीनों श्रेणी मिला करके 8,050 रुपया इकट्ठा हुआ है, तीनों मिला करके। अब कह रहे द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने रुपए के बिके, यानी 16:1 का मान निकालना है, तो इजीली कर सकते हो। देखो 8,050 में इन तीनों को जोड़िए सब लोग, कितना? 46। तो 46 से हम भाग कर देंगे और सेकंड क्लास का पूछ रहा है इनकम, तो 16 से हम गुणा कर देंगे। अब इसको काटिए, कितना? 2800 2800 आ रहा है, क्योंकि 23 से वो कट जाता है, 23×2=46 और 23 से वो कट जाएगा, ये काट के देखिए आ रहा है कि नहीं 2800। हमें तो आंसर याद था तो हमने मार दिया, आएगा वैसे 2800 आ रहा है। कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा, सीधी सी बात है, यहां पर 3 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रेंट दिया है, पैसेंजर दिया है, सीधे गुना करेंगे इनकम का रेशियो बन जाएगा। ये जो 2 से हम यहां काटे ना, आपकी मर्जी, आप चाहे तो 2 से पहले भी यहां काट सकते थे आप, तीनों में कैसे कटता तो देखो, गुना करना है इसी को ना, देखो 2 × 5 = 2 × 4 = 2 × 5 = गुना करिए, 3×5=15 4×4=16 और 5×3=15 आपका। 2 से ऊपर भी काट सकते थे, अगर ऊपर गलती से नहीं काटे तो यहां भी आप काट सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी काटेंगे फिर भी रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, एकर साइज थोड़ा और बड़ा है लेकिन और आसानी है। सुनिए, कहता है दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए का रेशियो शुरू में 8:6:3 था, शुरू में 8:6:3 था, मतलब बाद में बदलने वाला है किराया, है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और ये थर्ड क्लास है। बोलो पहले से रेशियो कितना? 8, फिर 6 और फिर 3, ये रेंट का रेशियो पहले से है। अगर इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो लगले यहां पर हम इसी के साथ यहीं पर परिवर्तन लिख ही देते हैं। कहता है पढ़िए, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के किराए में 1/6 भाग की कमी कर दी गई, 1/6 भाग की कमी कर दिया गया, कमी इसे घटा के लिखेंगे, 1/6 भाग की कमी कर दिया गया, इसका अर्थ यह है कि 5/6 हो गया। देखो कभी भिन्न में बोलेगा ना कि कमी, तो घटा दीजिएगा, 6 में से 1 घटेगा, ऊपर लिखेंगे 5, नीचे वाला ज्यों कहते हैं 6,
अगर वृद्धि कहेगा तो जोड़ दीजिएगा 6 और 1 7/6, कमी है तो 6 में से 1 घटाएंगे 5/6 आपका हो जाएगा। तो सवाल में ये कहता है कि प्रथम श्रेणी में 1/6 की कमी होता है, यानी कह सकते हैं 1/6 जो है टिकट के कीमत का कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि 5/6 अभी बचा हुआ है। पहले से जो भी टिकट का प्राइस था कितना था 8, इसका 1/6 कम हो गया, मतलब इसका 5/6 अभी प्राइस है। 8 का 1/6 कम हो गया, मतलब 8 का 5/6 अभी है। समझ में आया कि नहीं बुझाया? अगर वृद्धि कहता तो क्या करते, जोड़ देते हैं 7/6 से गुना, कमी हो रहा है तो 5/6 से गुना। चलिए पहला श्रेणी में जिस तरह का बदलाव हो रहा है उसको हमने यहां पर दिखा दिया है। अब सुनिए, द्वितीय श्रेणी में 1/12 की कमी कर दी गई। द्वितीय श्रेणी में 1/12 की कमी कर दिया गया तो फिर यहां पर इसे घटा देंगे, 11/12 हो गया तो 11/12 से गुणा कर दिए। ये सब परिवर्तित रेंट है, बदला हुआ। अच्छा, क्या तृतीय श्रेणी में कोई चेंजिंग हुआ? थर्ड क्लास का रेंट का कोई चर्चा है कहीं पर? क्या नहीं है? नहीं है, मतलब सिर्फ यही दोनों का रेंट बदला है। तो चलो कर लेते हैं, ये रेशियो यहां पर फ्रैक्शन में मिल चुका है, तो फ्रैक्शन में जैसे ही रेशियो मिले तो सबसे पहला काम है उसे इंटीजर में बदलना। किसमें बदलना? इंटीजर में बदलना। और बदलते कैसे ये मैंने आपको सिखाया है। फिलहाल इससे 2 बार में कटा और 2 से 3 बार में 2 से 4 बार में। अब बोलो इंटीजर में कैसे बदलेंगे, क्या तरीके बताए थे? नीचे वाला 3, 2, 1 का एलसीएम 6, या झांप विधि भी लगा सकते हो। देखो ना, इसे झांप दिए, बोलिए 4 5 आप 20 × 40 से कम 40, झांप विधि लगा दिए। फिर इसको इसे झांप दिए तो बोलिए ऊपर में 11 है ना, तो 3 × 1 = 3 × 11 = 33 हो गया। फिर एकर नीचे में है 1, उसको झांप दिए, देखो 3 × 2 = 6 × 6 = 3 = 18 हो गया आपका। ये हमारा रेशियो हो गया, झांप विधि लगा दिए। या फिर हर का लसक कितना होगा, 3 × 2 = 6, 6 से सब में गुणा कर दीजिएगा तो भी यही आ जाएगा आपका। तो ये बन गया रेंट का रेशियो। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। आप देख लो सारे विद्यार्थी, यहां पर पैसेंजर का रेशियो दिया है जी कितना, 9, 12, 25। देखो यहां 9 है, फिर यहां 12 है और यहां फिर 25 है आपका, 26 है। अच्छा ठीक है, 26 है। अब यहां पर हम लिखना चाहते हैं इनकम का रेशियो। तो पता है इनकम क्या होता है, पैसेंजर की संख्या गुना टिकट रेट। ये गुना करना पड़ेगा आपको, आपको इसको गुना करना पड़ेगा। तो देख रहे कितना बड़ बड़ गुना है, अगर इसमें 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 कुछ कट रहा है तो जरूर काटिए, छोटा हो जाएगा, सुविधा होगा आपको कैलकुलेशन करने में। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? खूब बढ़िया से कट, 6 से उड़ाओ ना, 6 से 3 बार में 6 से 2 बार में। आ देखिए 6 से काटना है तो 3 यहां काटे और 2 यहां काटे, 6 कटा ना, 6 देखो, ये सब एक हो गया, ये सब एक हो गया, 6 से यहां काटे 6 से यहां, 6 यहां भी कटा। देखो 3 इसमें काटे 2 इसमें काटे, 2 से 20 और 3 से 3, 6 कट गया। अच्छा, और इसमें 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 कुछ कट रहा है क्या? 3 कट रहा है। देखो 3 आई 3 से 11 आई 3 खत्म हो गया। और कुछ कट रहा है? 2 भी कट रहा है, फिर कट रहा है। देखो 2 से 13 और 2 से 2 खत्म 2 से 10, अब नहीं कट रहा है। देखो 10 हो गया 11 हो गया और यहां 13 हो गया। तो ये बन गया इनकम का रेशियो। अब सवाल कहता है कि टिकट खिड़की पर 1 साल में ₹1,088 का टिकट बिका, तीनों मिला करके ₹1,088 का टिकट बिका, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों का कितना योगदान है, यानी फर्स्ट क्लास से कितना पैसा इकट्ठा गया आपसे पूछा जा रहा। बड़ा सिंपल है, देखो 1088 में जोड़िए 13 और 11 और 10 कितना 34 से भाग दिए। आप फर्स्ट क्लास का इनकम पूछ रहा है तो 10 से क्या किए, गुना किए, हमारा आंसर हो जाएगा
इससे क्या ये 32 बार में कट रहा है, तो 32 गुना 10 कितना, 320 आंसर हो जाएगा आपका। तो कुछ पकड़ में आ रहा है, करना क्या है इसमें, पहले तो सही तरीके से रेंट का रेशियो बना लेना है, फिर पैसेंजर का रेशियो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करना है, अगर बड़ा बड़ा गुना आ रहा है तो काटो तीनों में जो कॉमन तीनों कट रहा है, फिर रेशियो बना के और टोटल इनकम को बांट दीजिए। पहले से रेशियो दिया था कितना, 8-6-3 दिया था, लेकिन बाद में रेशियो बदल भी रहा था तो बदल लीजिए रेंट का। कुछ पूछना है किसी को, ना बुझाया कहीं पर बोलिएगा। आप भाई साहब फोन चला रहे हैं, समझ में, फोटो खींच रहे थे, ओ ठीक है। कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा। 320 रुपये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो बड़ा तगड़ा सवाल है, सुनिए, और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। दो सवाल सेम पैटर्न का है, चलो जल्दी से यहां पर इस सवाल को हम देखते हैं। सुनिए क्या कहता है, कहता है कि एक वाष्प चलित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 20/3 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल सकता है। ध्यान दीजिए यहां पर, मतलब इंजन सिर्फ जो है ट्रेन का वो उतना स्पीड से चल सकता है, डिब्बे के बगैर, उसमें डिब्बा नहीं जोड़ा गया है ना, केवल इंजन का स्पीड है 20/3। अब कहता है इंजन की गति में कमी साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो सवाल कहता है कि इंजन की गति में जो कमी है उस साथ में लगाए गए डिब्बा की संख्या, एन हम डिब्बा की संख्या को कहें, इसके वर्गमूल के समानुपाती है। अब बात भी सही है, इंजन का गति है 20/3 और ओकरा में डिब्बा आप जोड़ जाते चल जाए, डिब्बा बढ़ाते चल जाइए ट्रेन के इंजन में, तो डिब्बा बढ़ाते चल जाइएगा तो उसका स्पीड कम होता चला जाएगा ना, लोड पड़ेगा आपका, डिब्बा भी तो खींचना है। केवल इंजन चल रही है 20/3 से, अगर हमें डिब्बा बढ़ाते जाएंगे तो इंजन का स्पीड कम होता जाएगा। आप डिब्बा बढ़ाते रहिए है ना, तो एक समय ऐसा तो आएगा ना जब बढ़ाते इतना बढ़ा देंगे कि इंजन रुक जाएगा, ये हो सकता है ना। ये इंजन का स्पीड फिक्स है 20/3, लेकिन डिब्बा बढ़ा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब ट्रेन ही रुक जाएगा। मान लेते हैं कि 100 डिब्बा लगा दिए ट्रेन रुक गया, 100 डिब्बा लगा दिए ट्रेन रुक गया मतलब उसका स्पीड जीरो हो गया, आपका इंजन का स्पीड जीरो हो गया मतलब ट्रेन रुक गई, कई डिब्बा लगाने पर, 100 डिब्बा लगाने पर, तो ओकरा में से एक गो डिब्बा छोड़ा देंगे, फिर बचा कै गो, 99 पर भी ट्रेन रुका रहेगा नहीं, वो धीरे धीरे फिर चल पड़ेगा, आ फिर 100 जोड़ देंगे तो फिर रुक जाएगा, आ हटा देंगे तो फिर चल पड़ेगा। तो आपसे इस सवाल के आखिरी में क्या पूछ रहा है, डिब्बों की अधिकतम संख्या बताओ जिसे इंजन खींच सकता है, अधिक से अधिक कै गो डिब्बा को इंजन खींच सकता है। तो सोचिए जरा, 100 डिब्बा में ट्रेन रुक जा रही है, 100 डिब्बा में ट्रेन रुक जा रही है और एगो छोड़ा रहे तो 99 को खींच ले रहा है धीरे धीरे, सने आपका है ना। तो आंसर हमारा अधिकतम डिब्बा के लिए 100 नहीं होगा, 100 पे तो ट्रेन रुक जा रही है, खींच रही है 99 डिब्बा को अधिक से अधिक, तो आंसर हमारा 99 हो जाएगा। यानी आपको निकालना पड़ेगा वो डिब्बा की संख्या जिसके वजह से ट्रेन रुक रहा हो, आज जितना आएगा उसमें से वो कम करके आंसर मार देंगे, वही हमारा मैक्सिमम डिब्बा की संख्या होगा जिसको ट्रेन खींच सकती है। तो यही सवाल का कॉन्सेप्ट है, सवाल में कहता है गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बा की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। आप पढ़िए, कहता है कि 9 डिब्बों के साथ उसकी गति 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो आप बताइए ना कै गो डिब्बा उसमें जोड़े, 9 डिब्बा हम जोड़े उसमें हम 9 गो डिब्बा जोड़ दिए। पहले तो इसको हटाइए, यहां पर देखिए, पहले गति में जो कमी है बराबर ये आपका चिन्ह को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट के से गुना होता है, इस बात की जानकारी है आपको,
जब हम इसे हटाएंगे तो कांस्टेंट से क्या होगा, यहां पर गुना होगा आपका, कांस्टेंट से यहां पर गुना होगा, कांस्टेंट से गुना होगा। अब देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर पहले कितना गति था, और 9 को जब डिब्बा लगाया तो गति हो कितना गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो कमी कितने का हुआ, कमी कितने का हुआ, तो 20/3 में से 5 घटा देंगे, पहले था इतना अब हो गया इतना, तो कमी कितने का घटा दिए, अब बराबर में के अब अंडर रूट क्या होगा, 9 हो जाएगा। डिब्बा की संख्या कितना, 9 9 9। अब सुनिए 20 में से 15 घटा देंगे तो कितना, भिन्न का घटाव करिए तो 5/3 बराबर के गुना 3 हो गया आपका। आ इधर ला दिए तो के का मान कितना हो गया, 5/9 हो गया, 5/9 हो गया। उसको सही करिए जी, वहां यहां पर देखिएगा तो k का मान कितना हो गया, 5/9 हो गया, k का मान कितना हो गया, 5/9 हो गया। अब जानते हैं, अब कहता है कि डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इंजन खींच सकता है। अब हम चाहते हैं कि जितना इंजन का गति है ना, उन सारे गति को कम कर दे, एकदम जीरो कर दे, ट्रेन रोक दे। तो ट्रेन कब रुकेगा, जब उसके पूरे स्पीड को कम करना होगा। 20/3 इंजन का स्पीड है, अगर कमी कमी में पूरा 20/3 जो इंजन का स्पीड है सभी कम कर देंगे, कमी पूरा का पूरा, तभी ना ट्रेन रुक पाएगा जी। तो बताइए फिर से यहां से हम चलेंगे और कमी के जगह पे लिखेंगे पूरा इंजन की गति 20/3, आ के का मान निकल चुका है 5/9 और अंडर रूट एन। हम जानना चाहते हैं कि कई गो डिब्बा लगाएंगे इसमें कि पूरा ट्रेन रुक जाएगा, जितना इंजन का गति है पूरा का पूरा कमी हो जाएगा। तो एन का मान निकालना चाह रहे, बोलो 5 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 3 बार में 3 चौके 12 बराबर रूट अंडर एन। इसका मतलब एन का मान स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर में जाएगा तो 12 का स्क्वायर 144 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 144 डब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जा रही है, ट्रेन रुक रही है ना, ट्रेन रुक रही है। तो बताइए आंसर कितना होगा, 144 - 1 = 143 डब्बा को ट्रेन खींच सकती है, 143 डिब्बा जो कि मैक्सिमम होगा को ट्रेन खींच सकती है, ट्रेन खींच सकती है। इसको छाप लीजिएगा, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। और इसके अलावा एक और तरीके हम देखेंगे है ना, इससे बहुत शॉर्ट आपका, ये भी शॉर्ट है ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन एकरों से शॉर्ट देखेंगे हम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें नीचे वाला भाषा भी लिख लीजिएगा, छाप लिए। देखो मामला यह है कि इंजन की गति में कमी डिब्बा के संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, यह रिलेशन वाला सवाल है। अब यहां पर पहले इंजन का स्पीड था 20/3 और 9 को डिब्बा लगाने पर हो गया 5, तो कमी कितने का हुआ, तो 20/3 में से 5 घटा दिए, कमी लिख दिए, बराबर के और डिब्बा की संख्या कितना 9, तो एन का मान 9 रख दिए। अब इसको सॉल्व किए तो 5/3 आया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, नीचे के का मान 5/9 हो गया। फिर यहां से चलेंगे वापस, हम ट्रेन को यहां पे रोकना चाहते हैं तो जितना उसकी इंजन की स्पीड है पूरा का पूरा कमी करना होगा, नहीं 20/3 इंजन का स्पीड है, अगर पूरा कम हो जाएगा तो ना ट्रेन रुकेगा,
तो कमी के जगह पर हम पूरा 20/3 बैठाएंगे। यहां चले बराबर में के का मान कितना निकाले, 5/9 और रूट अंडर एन। ये नहीं पता है कि कै गो डिब्बा लगाएंगे कि पूरा ट्रेन रुक जाएगा, तो यहां पर एन का मान निकलेगा। सॉल्व करिए, 5 से 4 बार में 3 से 3 बार में 3 6 12 क्रॉस गुना हुआ 12, रूट एन बराबर 12, तो एन का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट है उधर स्क्वायर में जाएगा 144। और आप जान रहे हैं कि 144 को डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जा रही है, तो अधिक से अधिक कै डिब्बा को खींच सकती है, वो हटा दीजिए 143 को, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, है ना। तो फिलहाल जो है आज के क्लास को यहीं पे रोकेंगे, एक और सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना, कल के क्लास में, और मैं एक और तरीके इस काम देखेंगे। किसी को अगर 1-2% डाउट रह गया, इसका डिस्कस हम कल के क्लास में करेंगे, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी जल्दी से।